हूँ, तो कैसे हैं आप सर? पढ़ाई आसान है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे पावर इन एसी। एसी मतलब क्या? अल्टरनेटिंग करंट में अब हम लोग पावर पढ़ेंगे। हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर पढ़ा था कि पावर इज इक्वल्स टू वी आई होता था, हमें कांस्टेंट वी मिलता था, कांस्टेंट आई मिलता था, सट से पुट कर देते थे उसमें और आंसर आ जाता पट से। तो देखिए, हम लोगों ने अल्टरनेटिंग में करंट में क्या पढ़ा था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर पावर हमें चाहिए तो आप हमें क्या करिए, दो चीज दीजिए, वोल्टेज दे दीजिए और करंट दे दीजिए। हाँ कि ना, कुछ डीसी ईसी टाइप का होता था, हाँ कि ना, यहां पर बैटरी लगी रहती थी, इसका फिक्स क्या होता था, इससे फिक्स पोटेंशियल निकलता था और फिक्स करंट बहता था, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो अगर कहता है कि पावर बताइए, यहां पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर इज इक्वल्स टू वी आई कर दीजिए, सीधा सीधा आपको कांस्टेंट मिल रहा है, क्या कांस्टेंट मिल रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट मिल रहा है, करंट सीधा पुट करिए आ जाता था। बट बच्चों, यहां पे क्या है, करंट भी चेंज हो रहा है, पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है, विद टाइम चेंज हो रहा है, तब कह रहा है आप पावर निकालिए। तो देखिए बच्चा, क्या हो रहा है, पोटेंशियल भी विद टाइम चेंज होगा, करंट भी विद टाइम चेंज होगा। देखिए यहां पर क्या था, हेयर पावर या वोल्टेज, हेयर पावर वोल्टेज करंट आर नॉट वेरिएबल, दे आर कॉन्स्टेंट। ये क्या रहते थे, कॉन्स्टेंट रहते थे इन किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, समझ में आ रहा है ना। बट यहां पे जो एसी चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बट फॉर एसी बोथ वोल्टेज या फिर हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल एंड करंट चेंज विद व्हाट, चेंज विद टाइम, जिसका मतलब है, विच मींस पावर इन एसी मतलब पावर इन अल्टरनेटिंग करंट डिपेंड्स ऑन टाइम, जिसका मतलब क्या है, जो पावर है वो समय समय के अनुसार घट बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, Which means, जिसका मतलब है, it change with time, मतलब क्या हो रहा है, ये time पे क्या कर रहा है, depend कर रहा है, कुछ time पे कुछ है और कुछ time पे कुछ और है, समझ में आया। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, power depends on time, voltage depends on time, हाँ कि ना, I also depends on time, मतलब change with all time। तो ये हमें जो यहां से जो हमें power मिलती है वो क्या होगी, instantaneous power। इसका ज्यादा use नहीं है instantaneous power का, use है तो average power का सबसे ज्यादा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि ना। हाँ, तो अब हम लोग ने दो चीज पढ़ के रखी है, क्या कि जब voltage V is equals to V not sin omega t होता है तो करंट की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ के रखी, करंट क्या होता है, करंट का फेज घट बढ़ सकता है, हाँ कि ना, पढ़ा है कि नहीं। तो I is equal to I not sin omega t होती है, और हो सकता है अगर ये घटता बढ़ता है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस फाई हो जाएगा, समझ में आ रहा है, कुछ फाई मान लेते हैं, कुछ फाई ऐड कर देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तब ये वाली इक्वेशन जब हम लोग यहां पे रखेंगे, मतलब ये जो पीटी हुशा वाली यहां पे चीज लिखी हुई है पीटी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, VT क्या हो जाएगा, VT हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, V not sin omega t, हाँ कि ना, V ऑफ इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस कह रहे हैं, वेरिएबल मतलब हमें देखिए वेरिएबल पोटेंशियल उधर से मिल गया, वेरिएबल करंट हमें यहां से मिल जाएगा, हाँ कि ना, वो क्या हो जाएगा, I not sin omega t फाई, हाँ कि ना। तो ये जो चीजें हमें मिली है, ये जो चीज मिली है हमें, ये क्या है, ये हमें इंस्टेंटेनियस पावर देगी, क्या देगी, इंस्टेंटेनियस पावर देगी। पर हमें सबसे ज्यादा यूज होगा यहां पे क्या, हमें पावर एवरेज निकालना होगा। यहां पे एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि एवरेज निकालते कैसे, किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालेंगे अगर वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, समझ में आ रहा है ना, हाँ कि ना। इसे आप क्या करिए, अच्छे से आप नोट करिए। तो बच्चों, आप तैयार हो जाइए आप एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग एवरेज करंट को, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ठीक है, उसी से करेंगे पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से, समझ में आया। इससे बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाता है एवरेज पावर। देखिए, हम लोगों ने पढ़ के रखा है क्या, पावर इन एसी, हाँ कि ना। चलिए डीसी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने डीसी में पढ़ के रखा है P is equal to VI, जो अभी तक अभी मैंने आपको बताया था, हाँ कि ना। यहां पे सब कुछ कांस्टेंट रहता था, P, V, I, तो इसलिए ऐसे लिख देते थे। बट यहां पे पावर भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, वोल्टेज भी मतलब पोटेंशियल, और करंट भी चेंज हो रहा है। मतलब VT की जो वैल्यू होती थी क्या है, मतलब क्या, V not sin omega t होती थी, और यहां पे जो करंट होता था वो क्या करता था, अपना फेस चेंज करता रहता था। यहां पे देख रहे हैं, फाई
प्लस मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब इसमें चेंजेस आते रहते थे, हाँ ना। तो हम लोगों ने करंट की सीधे सीधे वैल्यू क्या लिखी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए इसका एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ ना। तो अगर एवरेज की बात की रही है, पी एवरेज, एवरेज निकालिए आप, हाँ ना। और ये एवरेज किसके लिए होगा, ये याद रखिएगा, फुल साइकिल के लिए, किसके लिए, फुल साइकिल के लिए एवरेज होगा, समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे जो पावर, अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है यहां पे पावर क्या है एसी के लिए, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, चेंज होगा, हाँ कि ना। तो इसलिए मैंने लिखा पावर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ कि ना। और इस पे ये जो डंडी जैसे लगता था वो क्या रिप्रेजेंट करता था, ये रिप्रेजेंट करता था कि आप क्या कर रहे हैं, पावर की एवरेज निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते थे, हाँ कि ना। अब देखिए बच्चा, अब हम लोग अगर VT और IT के वैल्यू अगर पुट कर दे इसमें, तो PT की वैल्यू निकल आएगी, PT PT PT, समझ में आ रहा है ना। सुबह सुबह करते हैं कि नहीं आप लोग स्कूल में, तो ये वाली चीज हम लोग क्या करेंगे, उठा के इसमें रख देंगे। तो जैसे ही रखेंगे बच्चा, तो देखिए V not sin omega T, हाँ कि ना, समझ में आएगी नहीं। और I की वैल्यू I not sin omega T plus phi, हाँ कि ना, ठीक है। और ये जो मैंने खींचा है ये क्या है, एवरेज को दिखा रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करिए आप, V not I not को बाहर ले लीजिए, sin omega T बचा क्या, sin omega T plus phi। अब अधिकतर बच्चे घबरा जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, sin omega T और sin ओमेगा टी प्लस फाइव, हाँ कि ना, समझ में आ रहा ना। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, हेयर वी यूज फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, यहां पे ए प्लस बी का फॉर्मूला लगता है। अधिकतर टीचर क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं, जल्दी से करवा देते हैं और बच्चे समझ नहीं पाते उसको। तो यहां पे देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या यूज किया, साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, समझ में आया ना, प्लस कॉस ए साइन बी, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब इसी को हम लोग यहां पे यूज करेंगे। तो देखिए हमारा आई नॉट वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा तो सेम रहेगा, बस आपको क्या करना है, साइन ओमेगा टी मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का हमने यूज किया यहां पे, ये चीज लिख दिया मैंने। अब देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बारी बारी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन ओमेगा टी इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन ओमेगा टी क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बचा क्या कॉस फाइव, तो यहां पर लिख दिया। अब ये क्या करेगा, इन तीनों से क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये देखो क्या है, दोनों क्या है डिफरेंट है, तो ये तीनों एक साथ लिख दिया साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव लिख दिया जाएगा। अब देखिए बच्चा हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था, आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, शॉर्ट ट्रिक क्या थी कि अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज अगर कोई कह रहा है तो क्या आएगा, वन अपॉन टू, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का भी एवरेज वन अपॉन टू, और कॉस फाइव टी या साइन ओमेगा फाइव कह रहे हैं, कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी का अगर कोई एवरेज पूछ रहा है तो क्या आएगा, जीरो जीरो। और यहां पे आप ये याद रखिएगा कि कॉस फाई का जो एवरेज आता है वो कॉस फाई ही आता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे इतनी चीज लिखी है, हम लोग इसे बारी बारी हटा सकते हैं कि नहीं, कि आप पहले इसका एवरेज निकालिए, हाँ कि ना, फिर क्या करिए आप साइन स्क्वायर ओमेगा का निकालिए, कॉस फाई का निकालिए, फिर क्या करिए आप साइन फाई टी का निकालिए, कॉस फाई टी का निकालिए और साइन फाइव का निकालिए, तो ऐसे कर सकते थे। तो आप देखिए ओमेगा मतलब वी नॉट आई नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका एवरेज तो सेम रहेगा, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमने क्या बताया, वन अपॉइंट टू, तो वन अपॉइंट टू लिख दें, कॉस फाइव एवरेज कॉस फाइव ही होता है, तो ये लिख दिया हमने, समझ में आ रहा है कि नहीं। और साइन ओमेगा टी हमने क्या बताया, जीरो होता है, तो जीरो से कोई भी चेंज मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए बच्चों यहां पर आएगा क्या, यहां पर बचा क्या, वी नॉट I not 1 upon 2 cos phi, V not I not upon 2 cos phi, जिसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इस 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं V 2 की पावर 2 द रूट 2 द रूट, जो हमारा क्या होता है 2 होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कैसे होता है, 2 द पावर 1 upon 2 करिए, ठीक है, फिर 2 द पावर 1 upon 2 करिए, तो 2 2 कॉमन हो जाएगा, हां कि ना, तो 1 upon 2 plus 1 upon 2 क्या हो जाएगा 2 upon 2, जो कट जाएगा, जो कि हमारा क्या कहलाएगा 2, तो मतलब हम लोग 2 को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं रूट टू रूट टू, समझ में आया कि नहीं, यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग ने इस चीज को ऐसे ऐसे यूज किया, ठीक है। अब वी नॉट अपॉन रूट टू क्या होता था, वी आर एम एस होता था, आई नॉट अपॉन रूट टू क्या होता था, हाँ कि ना, आई आर एम एस होता था, तो हम लोग इसे क्या करेंगे यहां पे रख देंगे। तो हमारा पी एवरेज क्या निकल के आ गया, पी एवरेज निकल के आया वी आर एम एस
इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। यहां पे जो कॉस फाई होता है ये पावर फैक्टर होता है, याद रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा पावर फैक्टर किस किस के लिए क्या क्या होता है, समझ में आएगा नहीं। तो ये पावर फैक्टर होता है और यहां पे एवरेज वो पावर की जो यूनिट होती है वो वॉट होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अब याद रखिए अगर कहीं पे भी आपको पावर नहीं दिया है कि मतलब क्या है वो, तो वहां पे आप कैलकुलेट करेंगे किसकी, पावर एवरेज, ये लिख लीजिए, अगर नहीं दिया है आपको तो आप पावर एवरेज निकालेंगे, अगर दिया है पावर निकालिए तो आप पावर एवरेज निकालेंगे, और कहा है निकालिए पोटेंशियल या करंट, तो लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है, आप वहां पे वीआरएमएस या आईआरएमएस निकालेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, अगर नहीं दिया है तो आप समझेंगे यही दिया हुआ है वहां पे, समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर दिया है तो आप यही समझेंगे कि ये दिया हुआ है, समझ में आ रहा ना। तो इसे आप क्या करिए, अच्छे से आप नोट करिए अब आप, हाँ यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि आप क्या करिए, ये जो पावर निकाला है हमने, मतलब पावर एवरेज हमने जो निकाला है यहाँ पे, आप इस मेथड से निकालिए। हमने एक मेथड बताया था, जैसे करंट था, करंट निकालते थे, करंट का एवरेज निकालते थे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, तो आप यहाँ पे पी एवरेज निकालिए कैसे, पी एवरेज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी से आप निकालिए, सेम आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए करिए आप इसे अच्छे से अब,